अनंत उपकारी अरिहंत की आराधना में कितनी महान शक्ति है। मानव भावपूर्वक अरिहंत प्रभु की उपासना करके अपनी आत्मा का कल्याण कर सकता है। जैसे कि मालवे के राजा भोज ने आचार्यवर श्रीमान तुंग सूर्य जी को बाण और मयूर पंडितों के समान ही आश्चर्य दिखलाने की प्रार्थना की, तब संयम उद्यान बिहारी आचार्य जी ने इनकार किया। नाराज राजा भोज ने कर्मचारियों से सांकले मंगवा आचार्य जी को बंधवाकर बंद कर दिया। बेड़ियों में बंधे कसे आचार्य श्री आदिनाथ ऋषभ देव प्रभु की स्तुति संकीर्तन में लीन, प्रलीन और तल्लीन हो गई। मन और बदन का अस्तित्व भी विस्मृत हो गया। आराध्य और आराधक शेष रह गए, शेष सब अशेष हो गए। भक्ति की गंगा में भर्ती के लक्षण आए, बाढ़ चढ़ी, तूफान सीमा छोड़ गया। तांडव हो रहा भक्ति का, मांडवे होने लगी भक्ति के। तूफान में बह गया कचरा सारा, खंड खंड हो गई बेड़ियां, टूट गए ताले, भाग गया अंधेरा, खुल गए कपाट। मुक्ति बदन मुनिनाथ सुध खो गए बाहरी, भक्ति रसामृत में स्नान कर रहे थे। स्तोत्र का अंतिम पद्य बोला गया, आंखें खुली तो वे कक्ष के बाहर थे। राजा भोज और धारा के नागरिक आश्चर्य में थे। तब से राजा भोज जैन शासन के अनुयायी हुए। महामंगलकारी भक्त को अमर करने वाले भक्तामर स्तोत्र की रचना आचार्य भगवंत मान तुंगाचार्य ने की, जिसकी प्रत्येक गाथा में इतने भाव भरे हुए हैं कि जो आत्मा निर्मल भाव से इस कल्याणकारी स्तोत्र का पठन और श्रवण कर ले तो अपने घनघाती कर्मों की निर्जरा कर मुक्ति पथ का पथिक बन सकता है। भक्तामरि प्रणत मौलिमणि प्रवाणा, मुद्योत्कम दलित पाप तमो वितानम, सम्यक प्रणम्य जिन पाद युगम युगादा, वालंबनम भव जले पतिताम जनानाम। भक्ति वाले देवों के झुके हुए मुकुटों की मणियों की प्रभा को प्रकाशित करने वाले, पाप रूपी अंधकार को समूल नष्ट करने वाले तथा संसार रूपी समुद्र में गिरते हुए मनुष्यों को आदिकाल में सहारा देने वाले हैं, ऐसे श्री जिन प्रभु के चरण युगल को अच्छी तरह नमस्कार करता हूँ। यह संस्तुत सकल वाङ्मय तत्वबोधा, दुद्बुद्ध बुद्धिपटु भी सुरलोकनाथे, स्तोत्रे जगत्त्रितय चित्त हरे रुदारे, तोषे किलाहमपि तं प्रथिमं जिनेन्द्रम्। सब शास्त्रों के ज्ञान के कारण देवेंद्रों ने जिसकी स्तुति की है, उस आदिनाथ परमात्मा की स्तुति तीन जगत के चित्त को आनंद देने वाले उदार स्तोत्रों से करूंगा। बुद्ध
अयोध्या विनापि विबुदार्चित पाद पीठ स्तोतुं समोद्यत्मतिर्विगतत्रपोहम् बालं वियाय जल संस्थित बिंदु बिंब मन्यः क इच्छति जन सहसा ग्रहीतुम्। देवताओं ने जिसके सिंहासन की पूजा की है ऐसे हे जिनेंद्र बुद्धि न होते हुए भी लज्जा को त्याग कर मैं आपकी स्तुति करने के लिए तत्पर हुआ हूँ वो उचित है क्योंकि छोटे बालक के अतिरिक्त जल में दिखाई पड़ने वाले चंद्र बिंब को दूसरा कौन पकड़ने के लिए इच्छा करता है ऐसी ही मेरी स्थिति है। वक्तुं गुणान् गुण समुद्र शशांक कांतां कस्ते क्षमा सुर गुरु प्रतिमोपि बुद्ध्या कल्पांत काल पवनोदत नाक्र चक्रम वातरी तुमलि मम मुनि दिम्बुजाभ्याम। जिस प्रकार प्रलय काल की आंधी से उछलते हुए मगर मच्छों से युक्त भयानक दुस्तर समुद्र को अपनी भुजाओं से कौन तैर सकता है उसी तरह हे गुण समुद्र प्रभो चंद्रमा के समान समुज्ज्वल आपके गुणों का वर्णन करने के लिए बृहस्पति जैसा भी कौन पुरुष समर्थ है। वशान मुनीश कर्तुं स्तम विगत शक्तिरपि प्रवृत्तः प्रीत्यात्मवीर्यमविचार्य मृगो मृगेन्द्रम् नाप्येति किं निज शिशो परिपालनार्थम्। क्या प्रेम से हरण अपने बच्चों की रक्षार्थ अपनी शक्ति का विचार किए बिना ही शेर से उसे छुड़ाने हेतु सामना करने को नहीं दौड़ पड़ता। उसी प्रकार है जिनेंद्र शक्ति न होते हुए भी भक्ति के वशीभूत होकर आपकी स्तुति करने के लिए तत्पर हुआ हूँ अर्थात इस स्तोत्र को करने में आपकी भक्ति ही कारण है नहीं कि मेरी शक्ति। अल्पश्रुतं श्रुतवतां परियास दाम त्वद्भक्तिरेव मुखरी कुरुते बलान् माम् यत्कोकिलः किल मदौ मधुरं विरोति तच्चारु चाम्रकलिका निकरे कहे तु जिस प्रकार वसंत ऋतु में आम के मौर में ही कोयल को मधुर वाणी में बोलने हेतु विवश करते हैं उसी प्रकार मुझ अल्प बुद्धि वाले में इतनी शक्ति नहीं है कि मैं आपकी स्तुति कर सकूं लेकिन मैं जो आपकी स्तुति करने के हेतु उद्यत हुआ हूं उसमें केवल आपकी भक्ति ही कारण है अर्थात आपकी भक्ति के वशीभूत होकर ही मैं स्तवना करने हेतु तैयार हुआ हूं।
त्वत्संस्तवेन भवसंतति सन्निबद्धम् पापं क्षणात् क्षयमुपैति शरीरभाजम् आक्रांति लोकमलिनीलमशेषमाशु सूर्यांशु भिन्नमिव शार्वरिमन्दकारम्। आपके गुणों की प्रशंसा करने से शरीरियों के भव प्रवाह में संचित पाप क्षण में नष्ट हो जाते हैं, जैसे रात का मधुकर के जैसा काला अंधकार जो लोक में व्याप्त है वो सूर्य की किरणों से नष्ट हो जाता है। मत्वेति नाथ तव संस्तवनम् मयेद मारभ्यते तनु दियापि तव प्रभावात् चेतो हरिष्यति सतम् नलिनी दलेषु मुक्ता फल द्युतिमुपैति ननूद बिन्दु। इस प्रकार विचार करके हे नाथ, आपका स्तवन मंत बुद्धि से ऐसे मेरे द्वारा आरंभ किया जाता है, आपके प्रभाव से ये भले आदमियों के चित्त को हरण करने वाला होगा, क्योंकि कमल के पत्र पर जल बिंदु भी मोती की प्रभा को प्राप्त होता है। आस्ताम तवास्त्वनिमास्त समस्त दोषम् त्वसंकतापि जगतां दुरितानि हन्ति दूरे सहस्रकिरणः कुरुते प्रभैव पद्माकरेषु जल जानि विकाश भांजी। हे प्रभु, सूर्य तो दूर रहा, उसके उदय से पूर्व जो उसकी प्रभा फैलती है वही कमलों को विकसित कर देती है, तो सूर्योदय होने पर तो कमल खिलेंगे ही, इसमें कहना ही क्या है। इसी तरह जिसमें से सब दोष चले गए हों ऐसी आपकी स्तुति तो दूर रही, आपकी कथा ही जगत के पाप को नष्ट कर देती है। नात्यद्भुतं भुवन भूषण भूतनाथ भूतैर्गुणैर्भुवि भवन्तमभीष्टुवन्त तुल्या भवन्ति भवतो ननु तेन किं वा भूत्याश्रितं य इह नात्मसमं करोति। हे जगत के भूषण रूप भगवंत, पृथ्वी पर सत्य गुणों से आपकी स्तुति करने वाले लोग आपके समान हो जाते हैं, इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि उस स्वामी से क्या लाभ जो अपने आश्रित को अपने समान न करे। दृष्ट्वा भवन्त मनिमेष विलोकनीयम् नान्यत्र तोषमुपयाति जनाश्च चक्षुः
पीत्वा पाया शशिकर द्युति दुग्ध सिंधो क्षारम जलम जल निधे रसि तुम कैच्छे। हे प्रभु, अनिमेष नेत्रों से सदा देखने योग्य आपको देख करके मनुष्य के नेत्र दूसरे देवी को देखने में संतोष को प्राप्त नहीं होते हैं, वो उचित ही है, क्योंकि चंद्रमा की किरणों के समान उज्जवल शोभा है जिसकी। ऐसे क्षीर समुद्र के जल को पीकर समुद्र के खारे जल को पीने की इच्छा कौन करेगा, अर्थात कोई नहीं। ये शांत राग रुचि भी परमाणु विश्वम निर्मापित त्रिभुवनैक ललाम भूत तावंत एव खलु ते प्रणवा पृथिव्याम यत्ते समान मपुरम नहीं रूपमस्ति। तीन जगत के अद्वितीय अलंकार रूप है प्रभु, आपके शरीर की रचना जिन शांत और सुंदर पुद्गल परमाणुओं से हुई है, वे परमाणु संसार में उतने ही थे, क्योंकि आपके समान पृथ्वी पर दूसरा रूप कोई नहीं है। वक्त्रं क्वते सुरि नरो रग नेत्रहारी निशेष निर्जित जगत्रित योपमानम् बिंबं कलंक मलिनं क्व निशाकरस्य यद्वासरे भवति पांडुपलाश कल्पम। हे नाथ, देव मनुष्य और भवनपति के नेत्रों को हरण करने वाला तथा तीनों लोकों की उपमा को संपूर्णतः जीतने वाला आपका मुख कहाँ और कलंक से मलिन चंद्रमा का बिंब कहाँ, जो दिन में पलाश अर्थात ढाक के पत्ते के समान सफेद होता है। संपूर्ण मंडल शशांक कला कलाप शुभ्रा गुणास्त्रिभुवनं तव लंगयन्ति ये संसिता स्त्री जगदीश्वरी नाथमेकम् निवारयति संचरितो यथेष्टम्। हे तीनों लोकों के नाथ, पूर्ण चंद्र मंडल की कलाओं के समूह के समान चंद्र आपके उज्जवल गुण तीनों लोकों का उल्लंघन कर रहे हैं, अर्थात तीनों लोकों में व्याप्त हैं। वह योग्य ही है, क्योंकि जिसने आप जैसे तीन लोक के नाथ का आश्रय लिया है, उसकी इच्छानुसार गमन में कौन बाधा पहुंचा सकता है। चित्रम की मात्र यदि ते त्रिदशांगनाभिर् नीतं मनागपि मनोन विकार मार्गम् कल्पांत काल मरुता चलिता चलेन किम्
मन्दराद्रिशिखरं चलितं कदाचित्। हे प्रभु, यदि देवांगना से आपका मन किंचित मात्र भी विकार युक्त नहीं हुआ तो इसमें क्या आश्चर्य है, क्योंकि सब पर्वतों को चलायमान करने वाली प्रलय काल की हवा क्या सुमेरु पर्वत के शिखर को लेश मात्र भी चलित कर सकती है। निर्धूम वर्ती रप वर्जित तैल पूरा कृष्णं जगत्रयमिदं प्रगटी करोषि गम्योन जातु मरुतां चलिता चलानम् परास्त्वमसिनाथ जगत प्रकाश। हे नाथ, आप समस्त तीनों लोगों को पूर्ण रूप से प्रकाशित करते हैं। आप ऐसे अपूर्व दीपक हैं जिसमें न धूम न बाती न पूरा तेल है, वह बड़े बड़े पहाड़ों को भी हिला दे ऐसी प्रलय काल की हवा भी जिसको ग्रसित नहीं कर सकती है। नास्तं कदाचिदुपयासिन राहुगम्य स्पष्टीकरोषि सहसा युगपज्जगन्ति नाम्भोदरोदर निरुद्ध महाप्रभाव यातिशाई महिमासि मुनिन्द्रलोके। हे मुनिन्द्र, आप तो कभी भी अस्त को प्राप्त नहीं होते, न कभी राहु से गम्य होते हैं और न बादलों से आपका प्रभाव रुक सकता है। आप तो एक समय में सहज ही तीनों जगत को प्रकाशित करते हैं, इसलिए हे भगवान, आप सूर्य की महिमा से अधिक महिमा को धारण करने वाले हैं। नित्योदयं दलित मोह महांधकारं गम्यं न राहुवदनाशन वारिदानं विभ्राजते तव मुखाब्ज मनाल्पकांति जगदि पूर्व शशांक बिम्बम। जो सदा उदय रूप रहता है, जो मोह रूपी महान अंधकारों को नाश करता है, राहु के मुख से और बादलों से जो अगम्य है, अर्थात जिसे राहु न ग्रसता है और न बादल ढकते हैं, और जो जगत को प्रकाशित करता है, ऐसा है भगवान आपका अधिक कांति वाला मुख कमल अपूर्व चंद्रमा के बिंब समान शोभ रहा है। किं सार्वरीषु शशिनानि विवस्वता वा युष्मन्मुखेन्दुदलितेषु तमस्सु नाथ निष्पन्नशालिवनशालिनि जीवलोके कार्यं कियत् जलधरिर्जलभारिनम्रे। हे नाथ, आपके मुख रूपी चंद्रमा से अंधकार के नष्ट होने पर रात्रियों में चंद्रमा से अथवा दिन में सूर्य से क्या, पके हुए धान्य के खेत होने पर जीवलोक में पानी के भार से झुके हुए बादलों से क्या।
यथा त्वयि विभाति कृतावकाशम्। नैवं तथा हरिहरादिषु नायकेषु तेजःस्फूर्णमणिषु याति यथा महत्त्वम्। नैवं तु काच सकले किरणाकुलेऽपि। हे नाथ, जैसा स्वपर प्रकाशक केवल ज्ञान आप में शोभता है, वैसा अन्य विष्णु, महादेव आदि नायक देवों में नहीं है, क्योंकि जो प्रकाश मणियों में शोभा प्राप्त करता है वो किरण वाले कांच के टुकड़ों में से नहीं प्राप्त करता। मन्ये वरं हरिहरादय एव दृष्टा दृष्टेषु येषु हृदयं त्वयि तोषमेति। किं वीक्षितेन भवता भुवि येन नान्या कश्चिन्मनो हरति नाथ भवान्तरेऽपि। हे नाथ, हरिहर आदि देवों को मैंने देखा, वो मैं अच्छा मानता हूँ। उनके देखने पर मेरा हृदय तो आप ही में संतोष को प्राप्त करता है, और आपके देखने से क्या, जिससे कि संसार में कोई अन्य देव दूसरे किसी जन्म में भी मन को हरण नहीं कर सकता। स्त्रीणां शतानि शतशो जनयन्ति पुत्रा नान्यासुतं त्वदुपमं जननी प्रसूता सर्वादिशो दधति भानि सहस्ररश्मिम् दिग्जनयति स्फूर्तं शुजालम्। हे भगवान, सैकड़ों स्त्रियां सैकड़ों पुत्रों को जन्म देती हैं, किंतु अन्य कोई माता तुम्हारे समान पुत्र को उत्पन्न नहीं कर सकी, क्योंकि सभी दिशाएं नक्षत्रों को धारण करती हैं, किंतु दैदीप्यमान किरणों का समूह है जो ऐसे सूर्य को एक पूर्व दिशा ही उत्पन्न कर सकती है। मामनन्ति मुन्यः परं पुमांसा मादित्यवरममलं तमस परस्ता त्वामेव सम्यगुपलभ्य जयन्ति मृत्युम्। नान्यः शिवः शिवपदाश्च मुनीन्द्रपन्था। हे मुनीन्द्र, मुनिगण आपको परम पुरुष राग द्वेष रूपी मल से रहित मोह रूप अंधकार से पर निर्मल मानते हैं। आपको प्राप्त कर लोग मृत्यु पर विजय पाते हैं, दूसरा कोई कल्याणकारी अथवा निरुपद्रव मोक्ष का मार्ग नहीं है। अव्ययं विपुमचिन्त्यमसङ्ख्यमाद्यम् ब्रह्माणमीश्वरमनन्तमनङ्गकेतुम् योगीश्वरं विदितयोगमनेकमेकम् ज्ञानस्वरूपममलं प्रवदन्ति सन्तः। हे प्रभु,
संत पुरुष आपको अक्षय, परम ऐश्वर्यवान, अचिंत्य, असंख्य गुणों वाले आदि तीर्थंकर ईश्वर अनंत चतुष्टय सहित कामदेव के नाश करने के लिए केतु रूप योगीश्वर यम आदि योगों के जानने वाले गुण पर्याय की अपेक्षा अनेक रूप वाले जीव द्रव्य की अपेक्षा एक या अद्वितीय केवल ज्ञान स्वरूप तथा कर्ममल रहित कहते हैं। बुद्धास्त्वमेव विबुधार्चित बुद्धिबोधात् तुम शंकरोऽसि भुवनात्रय शंकरत्वात् दातासि धीर शिव मार्ग विदिर्विदानात् व्यक्तं त्वमेव भगवन् पुरुषोत्तमोऽसि। हे नाथ, गणधरों अथवा देवों ने आपके केवल ज्ञान के बोध की पूजा की है, इसलिए आप ही बुद्ध देव हो। तीनों लोकों का कल्याण करने के आप ही शंकर हो। मोक्ष मार्ग के रत्न रूप विधि का विधान करने के कारण आप ही विधाता हो। इसी प्रकार हे भगवान, पुरुषों में उत्तम होने के कारण आप पुरुषोत्तम या नारायण हो, ये स्पष्ट ही है। तुभ्यं नमः त्रिभुवनार्ति हराय नाथ। तुभ्यं नमः क्षितितलामलभूषणाय। तुभ्यं नमः त्रिजगतः परमेश्वराय। तुभ्यं नमो जिनभवो दधिशोषणाय। हे नाथ, तीनों लोक की कर्मजन्य पीड़ा को नाश करने वाले तुम्हें प्रणाम हो। पृथ्वी तल के निर्मल अलंकार रूप तुम्हें नमस्कार हो। तीनों जगत के परम ईश्वर तुम्हें नमस्कार हो। और हे जिन, संसार सागर को सुखाने वाले आपको नमस्कार हो। योत्र यदि नाम गुणैरशेषै स्त्वं संसृतो निरवकाशतया मुनीश। दोषे रूपात्त विविधाश्रय जात गर्वे स्वप्नांतरे पिन कदाचिद पेक्षितोसि। हे मुनीश्वर, यदि सभी गुणों ने सघनता से तुम्हारा आश्रय ले लिया है तो इसमें आश्चर्य क्या है, क्योंकि प्राप्त किए हुए अनेक देवादिकों के आश्रय से जिनको घमंड हो रहा है, ऐसे दोषों ने कभी स्वप्न में भी तुमको नहीं देखा। चैर शोक तरु संसृत मुन्मयूक मा बाति रूप ममलं भवतो नितांतम्। स्पष्टोल सत्किरण मस्त तमो वितानम्। बिंबं रवेरि उपायोधरि पार्श्ववर्ति। हे भगवान, ऊंचे अशोक वृक्ष के आश्रय में रहा हुआ आपका दैदीप्यमान निर्मल रूप, बादल दल के पास में रहने वाला
स्पष्ट रूप से दैदीप्यमान किरणों वाले और अंधकार समूह को नाश करने वाले सूर्य के बिंब समान सुशोभित हो रहा है। सिंहासने मणिमयूख शिखा विचित्रे विभ्राजते तव वपुः कनकावदातम् बिम्बं धिया द्विलसदं शूलतावितानम् दयाद्रिशिरशिव सहस्ररश्मे। हे प्रभु, मणियों के किरण के अग्रभाग से विचित्र सिंहासन पर आपका सुवर्ण के समान मनोहर शरीर, ऊंचे उदयाचल के शिखर पर रहा हुआ आकाश में जिसका किरण रूपी लताओं का विस्तार शोभित है, ऐसे सूर्य के बिंब की तरह अतिशय शोभ रहा है। दावदात चल चामर चारु शोभम विभ्राजते तव वपुः कल दोत कांतम उद्यच्च शांक सुचि निर्झरिवारिदार चेष्टतम सुरगिरेरिव शात कौंडम। हे प्रभु, मोगरे के पुष्प सदृश उज्जवल ढुलते हुए चमर की शोभा वाला सुवर्ण के समान मनोहर आपका शरीर व उदय पाते हुए चंद्र के तुल्य स्वच्छ झरने की जलधारा व मेरु पर्वत के ऊंचे सुवर्णमय शिखर के समान शोभता है। छत्रात्रयं तव विभाति शशांक कांत मुझे स्थितं अस्तगित भानु करि प्रतापं मुक्ता फल प्रकर जाल विवृत शोभम प्रख्यापयात्रिजगतः परमेश्वरत्वम्। हे प्रभु, चंद्रमा के समान मनोहर तथा सूर्य की किरणों का प्रताप जिन्होंने रोक दिया है और मोतियों के समूह से जिनकी शोभा बढ़ी हुई है, ऐसे आपके तीनों छत्र तीनों जगत के परम ईश्वरत्व को प्रकट करते हुए शोभ रहे हैं। गंभीर तारी रव पूरित दिक्ति बाग स्त्रेलोक्य लोक शुभ संगम भूति दक्ष सद्धर्म राज जय गोषण गोसक सन खेदुन्दुभिर्ध्वनति ते यशसः प्रवादी। हे दुन्दुभिपते, अपने गंभीर और उच्च शब्द से दिशाओं का व्यापक त्रैलोक्य के प्राणियों को शुभ समागम की विभूति प्राप्त कराने वाला दुन्दुभि बाजा आपका सुयश प्रकट कर रहा है। मंदार सुंदर न मेर सुपारी जात संतान कादि कुसुमोत्कर दृष्टि रुद्धा
गंधोद बिंदु शुभ मंद मरुत प्रपाता दिव्यादिवः पतति ते वच सांततिर्वा। हे कुसुम वर्षाधिपते, आकाश से कल्प वृक्षों के फूलों का सुगंधित जल और मंद मंद हवा के साथ जो ऊर्ध्वमुखी और देवव्रत वर्षा होती है, वो आपकी मनोहर वचनावली के समान शोभायमान होती है। शुंभत प्रभावलय गोरी विभा विभोस्ते लोकत्रय द्युतिमतां द्युतिमा क्षिपन्ति क्रोध्यद्दिवाकरि निरन्तरि भूरि संज्ञा दीप्त्याजयत्यपि निशामपि सौम्य सौम्यां। हे भामंडलाधिपते, आपके भामंडल की प्रभा यद्यपि कोटि सूर्य के समान तेजोयुक्त है, तथापि संताप करने वाली नहीं है। चंद्र के समान सुंदर होने पर भी कांति से रात्रि को जीतती है, अर्थात रात्रि का अभाव करती है। स्वर्गापवर्ग गम मार्ग विमार्गणेष्ट सद्धर्म तत्व कथनैक पटु स्त्रिलोक्या दिव्य ध्वनिर्भवति ते विशदार्थ सार्व भाषा स्वभाव परिणाम गुणे प्रयोज। हे दिव्य ध्वनि पते, आपकी दिव्य ध्वनि स्वर्ग और मोक्ष का मार्ग बतलाती है, सब जीवों को धर्म तत्व हित का उपदेश देती है और समस्त श्रोताओं की भाषाओं में बदल जाती है, अर्थात जो प्राणी जिस भाषा का जानकार होता है, आपकी दिव्य ध्वनि उसके कान के पास पहुंचकर उसी भाषा रूप हो जाती है। उन्नित्र हेम नव पंकज पुंज कांति परिउल्लसन नख मयूख शिखा विरामो पादौ पदानि तव यत्र जिनेन्द्र दत्तः पद्मानि तत्र विबुधः परिकल्पयन्ति। हे जिनेन्द्र, विकसित हुए सुवर्ण के नवीन कमल समूह के समान कांति से जिसके चारों तरफ नख के किरणों के समूह उच्छल रहे हैं, ऐसे सुंदर आपके चरण युगल जहां पर पदार्पण करते हैं, वहां पर देवगण कमल की रचना करते हैं। इत्थं यथा तव विभूतिर्बुज्जिनेन्द्र धर्मोपदेश न विदौ न तथा परस्य यादृक् प्रभादिन कृतः बृहतान्धकारा कुतो गणस्य विकाशिनोपि। इस प्रकार धर्मोपदेश करने के समय में आपकी समृद्धि जैसी हुई वैसी दूसरे देवों को नहीं हो सकती, क्योंकि
अंधकार के नाश करने वाली जैसी प्रभा सूर्य की होती है, वैसी प्रभा प्रकाशमान अन्य ग्रह गणों की कैसे हो सकती है? चूतन मदाविलि विलोल कपोल मूल मत्ता प्रमद प्रमरिनाद विविध कोपम ऐरावता भमि बमुद्धतमा पतंतम दृष्ट्वा भयं भवति नो भवदासितानां। हे नाथ, झरते हुए मद से जिसके गंडस्थल मलिन तथा चंचल हो रहे हैं और उन पर उन्मत्त होकर भ्रमण करते हुए भौंरे जिसके क्रोध को बढ़ा रहे हैं, ऐसे ऐरावत हाथी के समान आकार वाले तथा अंकुश आदि को भी न मानने वाले हाथी का भय भी आपके आश्रय में आए हुए व्यक्ति को नहीं होता है। नैव कुंभ गल दुज्वल शोणितात मुक्ता फल प्रकर भूषित भूमि भाग बद्ध क्रम क्रम गतम हरिणादिपोपी नाक्रामति क्रमयुगाचल संस्रितं ते। हे नाथ, विदारे हुए हाथियों के मस्तकों से जो उज्जवल और रक्त से भीगे हुए मोती पड़ते हैं, उनके समूह से जिसने पृथ्वी के कई भागों को शोभित कर दिया है और आक्रमण करने हेतु जिसने चौकड़ी बांध रखी है, ऐसा सिंह आपके दोनों चरण रूपी पर्वतों का जिसने आश्रय लिया है, उस पर क्रम से प्राप्त होने पर भी आक्रमण नहीं कर सकता है। कल्पांत काल पवनोदत वनिकल्पम दावानलं ज्वलित मुज्ज्वल मुत्फुलिंगम विश्वं जिगत्सुमिव सम्मुखमापतन्तम् त्वन्नाम कीर्तन जलं समयत्यशेषम्। हे भगवान, प्रलय काल की पवन से उत्तेजित हुई आग के समान तथा जिनमें से चिंगारियां उड़ रही हैं और संपूर्ण संसार को नाश करने की जिनमें मानो इच्छा ही है, ऐसी सामने आती हुई तेजस्वी व उज्ज्वल दावाग्नि को आपके नाम के कीर्तन रूपी जल शांत करते हैं। रक्ते क्षणम समधि कोकिल कंठ नीलम क्रोधोद्धतम फणिन मुत्पणमापतन्तम आक्रामति क्रमयुगेन निरस्त शंका नाम नाग दमनीर दीयश पुंसा। हे भगवान, जिस पुरुष के हृदय में तुम्हारे नाम की नाग दमनी पड़ी है, वो पुरुष अपने पांव से लाल नेत्र वाले क्रोध से उद्धत उन्मत्त कोयल के कंठ समान काले ऊंचा फण किए हुए और डसने के लिए झपटते हुए सांप को निर्भय होकर उल्लंघन करता है, अर्थात आपके नाम स्मरण करने वाले भक्तजनों को भयंकर सांप का कुछ भी भय नहीं होता।
अवलगत तुरंग गज गर्जित भीमनाद मा जो बलम बलवतामपि भूपतीनाम उद्यत्तिवा कर्मयोख शिखा पवित्तम त्वत्कीर्तिनात् तमिवाशुभिदामुपैति। हे जिनेश्वर, संग्राम में आपके नाम का कीर्तन करने से जिस युद्ध में घोड़े हिनहिना रहे हैं और हाथियों की भयानक गर्जना हो रही है, ऐसे बलवान राजा का सैन्य भी उदय को प्राप्त हुए सूर्य की किरणों के अग्रभाग से नष्ट हुए अंधकार के समान शीघ्र ही नाश को प्राप्त हो जाता है। ताग भिन्न गज शोणित वारिवा वेगावतार तरणातुर योद्ध भीमे युद्धे जयं विजित दुर्जय जय पक्षा त्वत्पाद पंकज वनाश्रयिणो लभन्ते। हे देव, बर्छी की नोकों से छिन्न भिन्न हुए हाथियों के रक्त रूपी जल प्रवाह के वेग में प्रवेश कर उसे तैरने के लिए आतुर योद्धाओं से भयंकर ऐसे युद्ध में आपके चरण कमल रूपी वन का आश्रय लेने वाले पुरुष दुर्जय शत्रु पक्ष को भी जीतते हुए विजय को प्राप्त करते हैं। अम्भो निदौ क्षुभित भीषण नक चक्र पाठीन पीठ भय दोलबण वाड़ वाग्नो रंग तरंग शिखर स्थित यान पात्रा त्रासं विहाय भवता स्मरणात् व्रजन्ति। हे जगदीश्वर, आपके स्मरण में भयानक मगर के समूह पाठीन तथा पीठ जाति की मछलियों से तथा भयानक वटवाग्नि से क्षुभित समुद्र में उछलती हुई तरंगों के शिखरों पर जिनके जहाज पड़े हुए हैं, ऐसे मनुष्य आकस्मिक भय के बिना चले जाते हैं अर्थात पार हो जाते हैं। भीषण जलोदर भार भुगना शोचाम दशा मुपगता च्युत जीविताशा त्वत्पाद पंकज रजो मृत दिग्ध देहा मर्त्या भवन्ति मकर ध्वज तुल्य रूपा। हे जिनदेव, उत्पन्न हुए भयानक जलोदर रोग के भार से जो कुबड़े हो गए हैं तथा शोचनीय अवस्था को प्राप्त होकर जो जीने की आशा छोड़ बैठे हैं, ऐसे व्यक्ति भी आपके चरण रूपी कमल का अमृतमय रज से अपने शरीर को लिप्त करके कामदेव के समान अतिशय सुंदर रूपवान हो जाते हैं। ऐसा अद्भुत प्रभाव है आपकी चरण रज का। आपाद कंठ मुरु श्रृंखल वेष्टितांगा गाढ़ं प्रिय निगड़ कोटि निकृष्ट जंगा
त्वन्नाम मंत्र मनीषं मनुजाः स्मरन्तः सद्यः स्वयं विगत बंध भया भवन्ति। हे जिन, जिनके शरीर पांव से लेकर कंठ पर्यंत बड़ी बड़ी सांकलों से निरंतर जकड़े हुए हों तथा अत्यंत बड़ी बड़ी बेड़ियों के किनारों से जिनकी जंघाएं छिल गई हों, ऐसे मनुष्य आपके नाम रूपी मंत्र को स्मरण करते ही बंधन के भय से सर्वथा मुक्त हो जाते हैं, अर्थात कठिन कैद में पड़ा व्यक्ति भी आपका स्मरण करने से शीघ्र छूट जाता है। द्विपेंद्र मृगिराज दवान लाई संग्राम वारि दिमोदर बंदनोत्थम तस्याशुनाश मुपयाति भयं वीव तावकम् अस्तवमिमं मतिमान धीते। हे प्रभु, इस प्रकार जो बुद्धिमान आपके स्तोत्र का अध्ययन करता है उसका मद वाले हाथी, सिंह, अग्नि, सर्प, संग्राम, समुद्र, जलोदर और बंधन इन आठ कारणों से उत्पन्न हुआ भय मानो भय से ही अर्थात डर कर शीघ्र नाश हो जाता है। स्रजं तव जिनेन्द्र गुणैर्निबद्धाम् भक्त्या मया रुचिर्वर्ण विचित्र पुष्पाम् दत्ते जनो य इह कंठ गताम जस्रम् तम मान तुंग मावशा समुपैति लक्ष्मी। हे जिनेंद्र, इस संसार में मेरे द्वारा भक्ति पूर्वक आपके अनंत ज्ञानादि गुणों से गुथी हुई मनोज्ञ आकारादि वर्णों के यमक श्लेष अनुप्रसादि रूप विचित्र फूलों वाली कंठ में पड़ी हुई आपकी इस स्तोत्र रूपी माला को जो पुरुष हमेशा धारण करता है उस आदरणीय व्यक्ति को राज्य वर्ग मोक्ष और सत्काव्य रूप लक्ष्मी विवश होकर स्वतः प्राप्त होती है।